एमपी के अशोकनगर में कुछ ऐसा हुआ कि नपाध्यक्ष को अपने कर्मचारियों की करतूतें देखकर हाथ में डंडा उठाना पड़ा। दरअसल पेयजल सप्लाई की व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष अपने सामने चल रहे दृश्य को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी शराब के नशे में अर्धनग्न हालत में सोते हुए मिले। अव्यवस्था देख गुस्से में आए नपाध्यक्ष ने दोनों कर्मचारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों को नगरपालिका से हटा दिया। बता दें, नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया अशोकनगर की जल सप्लाई व्यवस्था को देखने के लिए शहर के टोरिया स्थित फिल्टर प्लांट पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां नगरपालिका के कर्मचारी ब्रजेश और राजकुमार वाल्मीकि ड्यूटी पर शराब के नशे में सोते हुए मिले, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष गुस्से में आग बबूला हो गए और हाथ में डंडा लेकर दोनों कर्मचारियों की क्लास लगा दी। वैसे पानी ऊपर से नीचे तक बह रहा है और आपके कर्मचारी सो रहे हैं, तो मैंने तत्काल अपनी बाइक उठाई और मैं टोरिया फिल्टर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे दोनों कर्मचारी सो रहे थे और ऊपर जो सबसे तीसरी मंजिल पे जो रिटर्न बाल होता है, जो पानी की सप्लाई या होती होगी या वापसी होता हो, वो पाइप उसमें से बाहर निकला हुआ था, जिससे पूरी बिल्डिंग में पानी भर गया था। वो कर्मचारी सो रहे थे, तो उससे थोड़ा सा नुकसान ये भी हुआ है कि चूने के कट्टे वगैरह गीले हो गए हैं और बाकी पानी नीचे बह रहा था, तो मैं वहाँ पहुँच गया था तो कर्मचारियों को उठाया और उनको काम पर लगा दिया। अब ऐसा महसूस तो नहीं किया, लेकिन हाँ, वहाँ मेरे जो प्रभारी हैं जल शाखा के, मैंने उनको बोला है कि इनकी जाँच करो और यदि ये इस तरह की अनियमितता करते हैं तो मैंने उनको बोला है कि तत्काल इनको इस जगह से हटा दें, क्योंकि निश्चित रूप से फिल्टर का मामला और फिल्टर पर पूरी चौकसी की आवश्यकता होती है। वहाँ किसी प्रकार की 24 घंटा हम चौकसी इसलिए रखते हैं कि फिल्टर हम पूरे शहर में पानी सप्लाई कर दें, और यदि कर्मचारी इस तरह की अनियमितता करते हैं तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, विभाग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने जेल प्रभारी जो हमारे जैन साहब आजाद जी, उनको बोला है कि तत्काल इन दोनों को वहाँ से हटा दें। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि यह बड़ी लापरवाही थी, चूंकि फिल्टर प्लांट का पानी पूरा शहर पी रहा है, वह हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।